नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉलिसी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुष्का और आज के इस वीडियो में आपको मैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच में अंतर बताने वाली हूं। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, जब आप बैंक अकाउंट खोलते हैं तो आपको चेकबुक, पासबुक और ATM कम डेबिट कार्ड मिलता है। जब आपके अकाउंट को कुछ समय हो जाता है तो आपको बैंक क्रेडिट कार्ड भी ऑफर करता है। हालांकि बहुत से लोग इस बात को लेकर दुविधा में रहते हैं कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच में क्या अंतर है। लोग दोनों चीज़ों को समान समझ लेते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं इनके अंतर के बारे में कि डेबिट कार्ड क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट होते हैं और क्रेडिट कार्ड क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे डेबिट कार्ड के बारे में। डेबिट कार्ड होता क्या है? तो देखिए, डेबिट कार्ड आपके सेविंग्स या करेंट बैंक अकाउंट से लिंक्ड कार्ड है। ये आप जब बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको बैंक कार्ड जारी करता है, जिसे आप ATM और POS टर्मिनल पर पैसे निकालने या अपने खर्चों का भुगतान करने के लिए यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। राशि को ऑटोमेटिक और तुरंत अपने डेबिट कार्ड में जमा या काट लिया जाता है। बैंक मुफ्त डेबिट कार्ड देता है और छोटी सालाना मैनेजमेंट फीस को चार्ज करता है। अब हम बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड दूसरे तरीके का कार्ड है जिसके ज़रिए आप बैंक या वित्तीय स्थान पर पैसे उधार ले सकते हो। बैंक इसमें क्रेडिट लिमिट रखता है या सीमा आपकी आय के आधार पर पता लगाया जाता है और इसे समय समय पर बढ़ाया जाता है। बैंक आपके क्रेडिट कार्ड के खर्चों के लिए बिल देता है और आपको तय तारीख पर उसका भुगतान करना होता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का उधार भुगतान नहीं करते तो बैंक के लिए गए गए आपको ब्याज दर लगा देता है, तो उसका ब्याज आपको अदा करना होता है। अब जिस व्यक्ति के पास क्रेडिट कार्ड होता है, उसे हर महीने उसके खर्चों का एक बिल भेजा जाता है। बैंक बिल जारी करता है जिसमें कि मिनिमम और कुछ बकाया राशि होती है। डेबिट कार्ड के मामले में खाता धारक सीधे सेविंग अकाउंट को एक्सप्रेस करके खर्चों को वो देख सकता है। अब हम बात करते हैं कि कार्ड को लिंक कैसे कर सकते हो आप। तो देखिए, डेबिट कार्ड आपके सेविंग अकाउंट से लिंक्ड होता है, जबकि क्रेडिट कार्ड आपके वित्तीय संस्थान या जारीकर्ता बैंक से लिंक्ड होता है। खर्चे की सीमा के बारे में अगर हम बात करें तो आम तौर पर क्रेडिट कार्ड कंपनियां क्रेडिट की लिमिट तय करती है और आप उस क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा राशि नहीं ले सकते हैं। डेबिट कार्ड के मामले में बैंक रोज़ाना के कैश विड्रॉल लिमिट और PO खर्च की सीमा तय करता है। ब्याज के बारे में बात करें तो क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला ब्याज दर लगाता है। अगर व्यक्ति समय पर राशि नहीं चुका पाता है तो डेबिट कार्ड के मामले में पैसा क्रेडिट पर उधार नहीं दिया जाता, इसके लिए कोई ब्याज नहीं लगता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।